स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सर आज आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारियां लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात सुरक्षात्मक उपकरण या रक्षात्मक उपकरण। तो वैसे उपकरण जो कार्यस्थल पर आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं उसे ही हम लोग रक्षात्मक उपकरण कहते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब कार्यस्थल पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि हम कुछ ना कुछ अगर हम उसको सेफ्टी से या इस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना कार्य करें तो हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और हमारे शरीर को चोट लग सकती है या बहुत बड़ी भी दुर्घटना हो सकती है। तो उन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना चाहिए और इसका प्रयोग अब लगातार करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे तरीके से कार्य को कर सकें। तो इनमें कौन कौन से चीज आते हैं? सबसे पहला है आंखों या चेहरे की सुरक्षा, अर्थात कार्य करने के दौरान हमें आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। उनमें है जैसे फेस शील्ड, ग्लासेस या कलर ग्लासेस आदि। तो ये सारे उपकरण से हम आंखों और चेहरे की सुरक्षा को अपना सकते हैं। परंतु यह हमें क्यों करना है? क्योंकि कार्यस्थल पर कभी कभी धूल उड़ती है या कोई ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कभी टूटकर छिलक के हमारे आंखों या चेहरे तक आ सकती है, या जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि ज़्यादा चमक होती है तो उससे आंखों को बचाव के लिए या हानिकारक धुओं से अपने आंखों को और चेहरे को बचाव के लिए हम फेस शील्ड या आई शील्ड इन सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हेड प्रोटेक्शन, अर्थात सिर की सुरक्षा। इनमें आते हैं सिर की टोपी या हेलमेट। इनका यूज हमें क्यों करना चाहिए? हमें अपने सिर की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कार्यस्थल पर जब भी हम कार्य करते हैं तो उस वर्कशॉप में या उस स्थल पर कभी कभी ऊंचाइयों पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होता है और उस ऊंचाई से अगर कोई टूल्स या कोई भी ऐसा सामान जो टूट के हमारी ओर गिरे तो सबसे पहले हमें सिर पर ही चोट लगती है। तो इनके लिए हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं ऊंचाइयों पर चढ़ के कार्य करते हैं और अगर हम वहाँ से गिर जाते हैं तो हमारे सर को सबसे पहले चोट लगता है क्योंकि हमारा सर सबसे पहले नीचे ज़मीन पे लगता है। तो इसीलिए उन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें हेलमेट या सिर की टोपी का यूज़ करना चाहिए। अगर हम हेलमेट का यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली हमारे हेड को जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो हमारे शरीर को और हानि नहीं पहुँचाएगी। तो इसलिए हेलमेट का यूज़ करने से सबसे पहले हेलमेट क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हमारा सिर उस दुर्घटना से बच जाएगा। फिर है हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा। इसके लिए ग्लव्स का प्रयोग करना होता है। ग्लव्स भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं और वह अपने कार्य के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम कार्य करते हैं तो उस दौरान ऐसे तीखे तीखे पार्ट्स होते हैं जो हमारे हाथ को हमारे हथेली को तुरंत जो है काट सकते हैं, तुरंत उस पर कट लग सकता है। तो इसीलिए हमें ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। और साथ में ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत हानिकारक रसायनों का भी प्रयोग करते हैं तो उनको अगर हम डायरेक्टली हाथ से छुएंगे तो हमारे स्किन को ख़राब करेगा और हमें स्किन से संबंधित बीमारियाँ हो जाएंगी। इसलिए हम उनसे बचाव के लिए ग्लव्स का प्रयोग करते हैं ताकि हमें अपने आप को हम हैंड प्रोटेक्शन दे सकें।
नेक्स्ट है फूड प्रोटेक्शन। पैरों की सुरक्षा, इनमें आते हैं शूज, जिसको कि हम लोग मेटल शूज या सेफ्टी शूज भी कहते हैं। या स्टील टोज शूज, अर्थात जब हम कार्यस्थल पर कार्य करते हैं, अपने वर्कशॉप में या किसी भी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे भारी भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। और जब हम ट्रॉली का या किसी भी भारी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयोग करते हैं, तो उस दौरान कभी कभी वह हमारे पैर पे भी आ जाता है, या हम किसी चलते हुए गाड़ी या वहाँ पे जो ट्रॉलियाँ हैं उनके बीच में कभी कभी हमारा पैर आ जाता है। तो सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करने से हमारे पैरों की उंगलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि उस शूज़ में आगे की तरफ उस उंगलियों के ऊपर जो है लोहा या स्टील का टोज लगा होता है, जिससे कि उस पर कोई भी भारी सामान चढ़ने से हमारे पैरों को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए हमें सेफ्टी शूज़ का प्रयोग पैरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है हियरिंग प्रोटेक्शन। कानों की सुरक्षा, इसके लिए ईयर प्लग या हेडफोन आते हैं। अर्थात जब हम कार उस समय बड़ी बड़ी मशीनों पे काम करते हैं, तो उस दौरान वह उसका उस मशीन की आवाज़ें या उसका वाइब्रेशन हमारे कानों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसलिए उन मशीनों की उस वाइब्रेशन या आवाज़ से हम अपने कानों को बचाने के लिए हमें ईयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। ईयर प्लग एक बहुत ही सॉफ्ट रुई का बना होता है, जो कि कानों पे लगने के बाद वह मशीनों के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे कानों को क्षति नहीं पहुँचती। इसलिए ईयर प्लग का प्रयोग करने से कानों की सुरक्षा को हम अपना सकते हैं और हमारे कान सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह अपने घर पे करें, चाहे किसी संस्था में करें, चाहे किसी फैक्ट्री में करें, किसी उद्योग में करें, तो हर कार्य को करने के लिए हमें सेफ्टी का यूज़ जरूर करना होता है। अगर हम उस सेफ्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें किसी न किसी रूप में चोट लग सकती है या हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हमें सेफ्टी के हर नियमों को जानना होता है और उसको फॉलो करना होता है। और कार्यस्थल पर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं, अब हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जरूरी है, हमें सावधानियां जितनी भी उस मशीन से या टूल्स से या उसको जितना भी प्रोसेस है उन सब में जितनी भी सावधानियाँ उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के कार्य करना चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। तो कार्यस्थल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारा ध्यान अपने कार्य पर 100% होना चाहिए। इसके लिए कार्यस्थल पर या वहाँ के कार्य करने वाले दीवारों के आसपास यह स्लोगन हमेशा लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अर्थात जब हम अपनी सावधानी को हटा देंगे तो दुर्घटना स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए हमें कार्यस्थल पर सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना किन किन कारणों से होता है, उनमें से कुछ हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले अज्ञानता,
इग्नोर है। अज्ञानता का अर्थ है कि हमें कार्यस्थल पर जिन मशीनों पर कार्य करना होता है उनकी जानकारी का अभाव होना या उनकी जानकारी ना होना। तो जब हम उस मशीन पर कार्य करेंगे जिसका कि हमें कोई भी जानकारी नहीं है तो स्वतः ही हम दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि कौन से पार्ट्स कब घूमेगा, किस कौन से बटन को दबाने पे कौन सा पार्ट्स मूव करेगा, हमें कहाँ पे अपने उत्पाद को बनाने के लिए मटेरियल रॉ मटेरियल डालना है या उस रॉ मटेरियल डालने के बाद मशीन कैसे काम करेगा, ये सारा प्रोसेस अगर हमको पता नहीं होगा तो हम इस अज्ञानता के अभाव में अपने आप को दुर्घटना का शिकार बना देंगे। इसलिए अज्ञानता ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कार्यस्थल पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए, और अगर हमें किसी मशीन की जानकारी नहीं है तो पहले उसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, उसके बाद ही मशीन पर कार्य करना चाहिए। दूसरा है उत्सुकता। क्यूरियोसिटी। आए दिन किसी फैक्ट्री में या कारखाने में नई नई मशीनें आती रहती हैं और उन पर कार्य करना होता है, तो जब कोई कारीगर नई मशीन को देखता है तो वो उत्सुकता बस उस मशीन को चलाने के लिए आतुर रहता है कि कब मैं जाऊं और उस मशीन को चलाऊं। तो बिना उस मशीन की जानकारी प्राप्त किए और उत्सुकता बस तुरंत जाकर के बिना किसी परमिशन के, या ऐसा कहें कि बिना उसकी जानकारी के उस मशीन को चलाने से भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस मशीन को चलाने के लिए उत्सुक रहता है और वह मशीन जब वह चलाता है तो बिना उसके किसी भी जानकारी के वह उसको जब उसको ऑपरेट करेगा तो उस दौरान कुछ न कुछ दुर्घटना जरूर हो जाएगी। इसलिए उत्सुकता बस किसी भी मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए, बिना किसी के परमिशन के या बिना उसके पूरी जानकारी के कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा है अत्यधिक आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस। जब कोई कर्मचारी एक ही कार्यस्थल पर रोज कार्य करते रहता है तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह उस कार्य को करने में 100% निपुण हो चुका है। इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास से ऊपर अत्यधिक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं बिना किसी भी परेशानी के इस मशीन को अच्छे तरीके से चला लूँगा या बिना समय के पाबंद में भी उस मशीन को चला लूँगा। तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इसके कारण ही दुर्घटना हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घातक हो सकता है हमारे लिए। कॉन्फिडेंस जरूरी है बट ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है। इसलिए मशीन को चलाते समय यह बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप एक नए प्रशिक्षित कारीगर हैं और आपको पूरे नियमों के साथ उस मशीन को चलाना है या उस उत्पाद के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट है रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको किसी भी कार्य में जब तक रुचि नहीं होगी तो वह कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए कार्यस्थल पर भी यह नियम बिल्कुल लगता है कि हमें उस कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कार्य करते करते हम उस कार्य से बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब हमारा इंटरेस्ट उस कार्य से खत्म हो जाएगा तो हम स्वतः ही दुर्घटना कहीं ना कहीं हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि जब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने लगते हमारा ध्यान उससे बढ़ जाता है, हम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं या हमारा ध्यान किसी और चीज़ में लग जाता है या कहीं दूर हम देखने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि मशीन तो अपना कार्य हमेशा वैसा ही करेगा बट हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, इसलिए दुर्घटना हो जाती है जब हमारे अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हमें इनसे ही बचना चाहिए, हमें अपने कार्य में अपना इंटरेस्ट बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। तो एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस की और जानकारी लेकर के आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।